What's up दोस्तों, welcome back. This is FanBlaze Fantasy Bites for game number 54, Perth Scorchers versus Brisbane Heat. ये कल का पहला मैच है, मगर game number 53 की बात की जाए तो Jake Weatherald बिल्कुल perfect pick रहा, 80 of 47. तन्वीर सांगा ने विकेट ली, मेरी टीम के कैप्टन हेल्स ने 63 नॉट आउट भी मारे और कैच भी ली, और फर्गसन भी 46 ऑफ 33 मार गया. रेन इफेक्टेड मैच था, बट उसने मेरी परफॉर्मेंस को इफेक्ट नहीं किया. आई वांट टू हेड टू हेड कॉन्टेस्ट. दोस्तों प्लीज, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकॉन भी दबाइए, बिकॉज आने वाले नॉकआउट मैचेस में आपको बहुत बड़ी अमाउंट की फ्री बल्लेबाजी लीग्स मिलने वाली है, एंड वो अमाउंट बढ़ता जाएगा अगर हमने क्रॉस किए 10,000 सब्सक्राइबर्स. और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना. आइए हेड टू हेड इन दोनों टीम्स के बीच में बात करते हैं. 7-6 से पर्थ स्कॉचर्स आगे है ब्रिस्बेन हीट से, लास्ट 10 गेम्स में 6-4 से आगे है, लास्ट 3 गेम्स में 3-2 से आगे है. पिछले सीजन भी दोनों मैचेस में पर्थ ने ब्रिस्बेन को हराया है, और इस सीजन भी ऑलरेडी पर्थ काफी बुरी तरह से ब्रिस्बेन हीट को हरा चुकी है. पर्थ स्कॉचर्स आर इन फाइन फॉर्म. अगर आप देखें अपने 9 मैचेस में दे हैव 8 विंस एंड दे आर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द टेबल. Brisbane Heat need to win this match and then hope कि Melbourne Stars और Hobart Hurricane अपने matches कल हार जाएं. Only then they will finish in the top 5. दोनों teams के बीच highest score 213 पे 3 है Perth Scorchers का पिछले season, और पिछले ही season lowest score भी है 109 all out Brisbane Heat का. Teams के बीच Mitchell Marsh from Perth के सबसे ज्यादा runs है 305 versus Brisbane, and दूसरी तरफ we have an informed Chris Lynn with 511 runs versus Perth Scorchers. सबसे ज्यादा wickets है Andrew Tai की, 2 विकेट पिछले मैच में भी थी versus Brisbane, 11 विकेट ओवरऑल, एंड दूसरी तरफ वी हैव एन इनफॉर्म मार्क स्टिकेटी विद 6 विकेट्स वर्सेस पर्थ. एडिलेड पे फिर से खेला जा रहा है मैच, लोएस्ट स्कोर पिछले सीजन 94 ऑल आउट पर्थ का ये इस ग्राउंड पे, एंड हाईएस्ट स्कोर इसी सीजन सिडनी थंडर ने 3 गेम पहले मारे हैं 232 for 5. हाईएस्ट रन चेज यहां पे रही है 180 की ब्रिस्बेन हीट ने की थी पिछले सीजन, दैट विल गिव देम सम कॉन्फिडेंस मे बी. एंड लोएस्ट डिफेंड कितना हुआ है 151 का स्कोर. हम देख रहे हैं पिछले 22 मैचेस, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 168, एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर 152 का है. बैटिंग फर्स्ट वर्सेस बोलिंग फर्स्ट में बैटिंग फर्स्ट की 12-10 से एडवांटेज है. पर्थ स्कॉचर्स की यहाँ पे 3 जीत है मगर 5 लॉसेस हैं, तो ब्रिस्बेन हीट का कंपैरेटिवली बेटर रिकॉर्ड है इस ग्राउंड पे विद 4 विंस एंड 3 लॉसेस. इट बी अ वार्म डे, 22-24 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहेगा, कोई चांस नहीं है रेन की, एंड ओवरऑल दिस इज अ ग्रेट T20 विकेट. अर्ली मैचेस में यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिली, बट लास्ट फ्यू गेम्स से काफी फ्लैट विकेट खेली है. बैट्समैन को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं फॉर दैट शॉट मेकिंग बिकॉज ऑफ ट्रू बाउंस इन दिस विकेट. हार्ड विकेट जरूर है बट बाउंस को बैट्समैन ट्रस्ट कर सकते हैं, सो दे कैन हिट अक्रॉस द लाइन. स्पिनर्स को स्पेशली रिस्ट स्पिनर्स को यहाँ पे थोड़ी हेल्प मिल सकती है बिकॉज ऑफ द बाउंस इन द विकेट, बट मैं फिर से एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 170 प्लस का स्कोर. एंड आई फील द टीम दैट विल विन द टॉस माइट वांट टू बैट फर्स्ट एंड पुट सम स्कोर बोर्ड प्रेशर ऑन द टीम चेजिंग. ऑस्ट्रेलिया नेशनल ड्यूटी से सारे प्लेयर्स अब अपनी अपनी फ्रेंचाइजेस के लिए खेल रहे हैं, एंड सारी टीम्स को एक सडन बूस्ट मिला है. मिचेल मार्श इज फिट तो पर्थ के लिए वो भी खेलेगा, एंड दे विल गो इन विद अ फुल स्ट्रेंथ टीम. एंड ब्रिस्बेन हीट के लिए लबुशेन स्वेप्सन आर बैक, दे विल हैव अ फुल स्ट्रेंथ टीम एंड फुल स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस भी देना चाहेगी. रन आउट परफॉर्मेंस, जाय रिचर्डसन लीडिंग विकेट टेकर है इस बीबीएल में, 26 विकेट 12 की एवरेज में. सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर दूसरी टीम ब्रिस्बेन से है मार्क्स टिकेटी, 22 विकेट्स 19 की एवरेज के साथ, सो दोनों आपकी टीम में होने ही होंगे. मनरो है 450 मार चुका है, ही हैज बीन एक्सीलेंट दिस सीजन फॉर पर्थ, 404 रन मार चुका है. मैक्स ब्रायंट 299 रन मार चुका है ब्रिस्बेन हीट के लिए 130 के स्ट्राइक रेट के साथ, बट ही हैज 050s इन दिस बीबीएल, बट स्टार्ट्स अच्छी देता है. एंड्रू टाई 15 विकेट है और इसकी पिछली 3 गेम में भी 5 विकेट है. क्रिस लिन, ही हैज बीन फिनोमिनल, 369 रन, 150 का स्ट्राइक रेट, 450 सिर्फ 9 गेमों में. एंड जेसन रॉय है स्पेशली लास्ट फ्यू गेम्स में ही इज हिट फाइन फॉर्म, इसके जो 250s है मैच विनिंग 50s रहे हैं, ओवरऑल 311 रन है 10 इनिंग्स में. एंड डोंट फॉरगेट मानस लबुशेन इन द स्टैंड आउट परफॉर्मर कैटेगरी, वो बैट एंड बॉल से परफॉर्म करता है. कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस, मानस लबुशेन, क्रिस लिन, जेसन रॉय, इन तीनों के बीच से उठाना. वाइस कैप्टन में कॉलिन मनरो है, मिचेल मार्श है बिकॉज ऑफ हिज ऑलराउंड एबिलिटी, एंड मैक्स ब्रायंट है बिकॉज ऑफ हिज हाई स्ट्राइक रेट बैटिंग. बट मेरे परफॉर्मर प्रेडिक्शंस, आई फील कॉलिन मनरो विल स्कोर सम रन्स एंड एंड्रू टाई विल टेक द विकेट्स. हो सकता है टाई हो या शायद जाय रिचर्डसन हो, बट ब्रिस्बेन हीट से क्रिस लिन एंड बैकिंग द कैप्टन टू स्कोर द रन्स व्हेन इट इज नीडेड द मोस्ट, एंड मार्क्स टिकेटी विद द बॉल. But don't forget Mitchell Swepson. Punt picks, Jason Roy from Perth, Manas Labuschagne, of course,
फ्रॉम ब्रिस्बेन हीट एंड विनर प्रेडिक्शन एक हंच लूंगा मैं और बोलूंगा कि ब्रिस्बेन हीट माइट विन टुमारो बिकॉज दे हैव मच मोर टू गेन फ्रॉम द विन than Perth Scorchers. So you might have a harder hitting performance from them tomorrow. Also, दोस्तों, ये है मेरी fantasy team. यहाँ पे Josh Inglis, Jason Roy, Colin Munro, Mitchell Marsh, Andrew Tai, Jai Richardson. ये है मेरे Perth के players. Vice captain मैंने बनाया है Colin Munro को. दूसरी तरफ, I have Chris Lynn, Manus Labuschagne, Max Bryan, with Mark Strickety and Mitchell Swepson. Captain, Manus Labuschagne. Just because मुझे लगता है वो ball and bat से impact कर सकता है. आप और क्या कर सकते हैं? Max Bryant की जगह maybe Joe Denley को भी ले सकते हैं. And Mitchell Marsh की जगह Liam Livingstone के साथ भी जा सकते हैं. But overall, highly competitive team. कल के जो दूसरे दो matches हैं, उनकी teams आपको मिलेगी on Telegram. तो please Telegram पे follow करिए. Link description पे है. And जैसे मैं बोलता हूँ दोस्तों, please subscribe to our channel. We have to hit 10K subscribers by the end of BBL. Finals से पहले जो चार नॉकआउट मैचेस हैं, उधर आपको बहुत हाई अमाउंट्स की फ्री बल्लेबाजी लीग्स मिलने वाली है ईच मैच के लिए. तो इसलिए सब्सक्राइब करिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बेल आइकॉन दबाइए कि आपको पता हो कि कब वो लीग्स लाइव हो गई हैं. हैप्पी रिपब्लिक डे, जय हिंद एंड गुड नाइट.